हमारे
अच्छा दुख दर्द खत्म कर दे और जिसका थोड़ा दुख सब खुशियां खत्म करते रहते हो। इसलिए हम देखेंगे गलत घर हम सबों को घर से बाहर कितनी भी मेहनत करें कितनी कोशिश करें कितना दिमाग लगाए फिर शाम को थके हुए टूटे हुए वापस आए घर में हमें थोड़ी सी मुस्कुराहट मिले थोड़ा बेहतर माहौल मिले थोड़ा अच्छा तरीका मिले हम देखेंगे पूरे थकावन दुख सब कुछ बाहर ले जाएंगे और हम एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के घर में दाखिल होंगे और खुश रहेंगे। और अगर हम सुबह को घर से बाहर निकले और वहां पर उनके इतनी इज्जत प्यार ऐश आराम मिले और शाम को घर वापस आए और थोड़ा सा चेहरा अच्छा ना मिले थोड़ा सा माहौल बेहतर ना मिले तो सभी खुशियां बाहर भरी भरी रह जाएगी एक बिल्कुल मधुर सा चेहरा लेकर के घर में जाकर तो घर का थोड़ा सा संसार के सब को खत्म कर देता है और घर का थोड़ा सा दुख संसार के सब सुख खत्म कर देता है। हमारा घर एक ऐसा है जिसका थोड़ा सुख सब को खत्म कर देता है और उसमें हम सब समझौता कर सकते हैं उसको हम हमेशा खुश और खुशहाल रहना चाहिए। इसलिए जब भी हम घर बनाते हैं तो शुरू से हमारी कोशिश रहती है कि हमारा घर हमारा माहौल ऐसा बेहतर है कि वहां पर हमेशा खुशियां भरी रहे और बरसती रहे। फिर हम शुरू से ही उसका बनाना और सवार शुरू कर और उसकी शुरुआत सबसे पहले हमारी सेरेमनी शिलान्यास से होते जिसका मकसद क्या उनका फाउंडेशन स्कोर शिलान्यास या उससे पहले उसके बिल्डिंग शुरू उसके पीछे देखो एक सफलता क्योंकि जहां पर हम घर बना रहे हैं वहां पर पता नहीं पहले क्या क्या हुआ कौन कौन रहे कैसा माहौल था क्योंकि हर जगह का एक नसीब किस्मत वो ऐसा होता है जैसे हम इंसान जैसे हम इंसान का नसीब भाग किस्मत सब अलग अलग है वैसे हर जगह का भाग और किस्मत भी अलग अलग है। कभी कभी कोई घर कोई जगह कोई प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो आने के साथ ही एकदम हमारी किस्मत खेल उठती है हर तरफ से खुशियां मिलनी हो जाती है हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो तकदीर कमी मिल जाती है। और कभी कभी हम कोई जगह घर खराब या कुछ भी लेते हैं एकदम पीछे चले जाते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं हमें कुछ है कभी उस जगह का भी कुछ हो सकता होने के बाद ही तो जैसे हम सभी इंसान अपने एमआर और कर्म के यकीन रखते हैं कि जैसा कर्म या एमआर होगे वैसा ही फल मिलेगा वैसा ही हमें फ्रूट मिलेगा
ऊंचा चबरम बंदगी होगी उस जगह का भार भी उठना ही पड़ेगा। और जहां पे जिनमें पाप गुनाह धोखा हुए होंगे उस जगह की किस्मत भी वैसी बन जाए। तो हम जिस जगह पे आए पता नहीं जरा फिकार ले रहे पता नहीं उसकी किस्मत क्या है, पहले कौन रहे कैसे हुए। तो इसी वजह से उनकी शुरुआत भी सेरेमनी से होती है, क्योंकि दुनिया जितनी भी धरती है कोई ऐसी जगह पर नहीं है जहां पे कोई ना कोई लाश गड़ी ना हो, कहीं पर कहीं पर कुछ हुआ ना, कहीं पर इंसान कहीं पर परिंदा कहीं पर पशु कहीं पर जानवर कुछ ना कुछ होता ही हो। और पता नहीं खुलती किस्मत क्या थी, पता नहीं उस जगह पे क्या हुआ। तो इसलिए सिंपल का मकसद है कि जहां पर हम घर बना रहे पहले उनकी जो अच्छाई है वो तो रहे, लेकिन वहां पर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म किया। इसलिए वहां की जो मिट्टी होती है वो अगर हम महसूस हो कि वहां पर नेगेटिविटी हो सकती है तो उसका असर लगे 3 से 6 फुट तक उसकी मिट्टी मिटा दी और उसके ऊपर एक अच्छी और बेहतर मिट्टी डाली, उसकी नेगेटिविटी काफी हद तक वो खत्म हो जाती है। कभी कभी देखते वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए जगह जो जीवन में जिंदगी में चाहते ये नहीं कि हम कोई किचरा या कोई ऐसी चीजें गड़ा हुआ सामान वहां पर उसको असर करना है ये हमें सोच कर ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि किचरा वगैरह नेगेटिव से भरा कभी भी वहां पर कुछ हो सकता है। इसलिए घर के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए इसकी शुरुआत हो रही है। आप ये सब एक घर अच्छा ने घर दिया तो वो बगड़ा बनाया उन्हें कुछ चला रहा था तो वो देर ही आया तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई। तो वो एक संत के पास गया जहां पर तुम्हारी जगह है वहां पर गिरन पर 200 फीट नीचे एक शुरू से लाही गई हुई पता नहीं कितना समय कितना सदियां गुजरेंगी लेकिन उसका असर अभी तक। इसलिए वहां पर तो ये दुआएं वगैरह करा पूजा पाठ करा और उसके बाद और जैसे वो हुआ उसका घर फिर वो फैलना शुरू हो गया फिर ठीक हो गया। इसे कहीं पर भी कुछ हो सकता अभी पूछा था पहले ये सी पैकेज चल रहा है तो एक चाइनीज इंजीनियर मेरे पास है ऐसे यहाँ पर वो काम करते थे उनकी तबीयत यहाँ पर खराब हुई उसको आप देखा जाए दर्द का वहां पर जो भी है उसी दर्द में कुछ सोर्सेस भरे हुए थे तो तुम्हारे ऊपर असरअंदाज हुआ। इसलिए तुम वहां पर वापस जाओ और जाके वहां पर कोई मुर्शिद या कोई हो ये उनसे बात कर लेते हो उनसे तो वो चाह कह रहे वापस आए उनकी जो भी टीम थी उसको वहां पर अपने आश्रम पे लेकर सभी मुझसे मिले जब आए उनकी हालत जो थी और जो उन्होंने कार्य से किया उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी वो दर्द है और हमारे जो स्टोर में स्टोर रखा हुआ है हमने वो खाया था उन्होंने दिया है बगैर तो कभी भी आया
को गया, उसके बाद वो ठीक हो गया, फिर ठीक हो गया। तो हमारे जो भी भारतीय है वहां पर पॉजिटिविटी और दोनों हमेशा रहे, और हम चाहते हैं पॉजिटिविटी सलाई करें, लेकिन धार में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आए। तो इसलिए कभी भी लिया थे कहीं पर अगर कुछ नेगेटिविटी है उसको, और इसीलिए सबसे पहले तो उसकी मिट्टी वहां से उठाई जाती है, फिर जानी जाती है, या जब वो वहां से मिट्टी उठाई जाती है उसी सेरेमनी पे कोई ना कोई बंदगी पूजा पाठ कुछ ना कुछ किया जाता है, जिसका मतलब है जो नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाए और जो पॉजिटिविटी है वो सदाई बढ़ती रहे, और हम इसी सोच के साथ डील करें कि यहाँ से हम मेथी को या धरती को नहीं निकाल रहे, हर तक वो नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं, और जब दुआओं के साथ हम उसकी और आगे यानी हम पॉजिटिविटी और मालिक के रंग को फिर डाल रहे हैं, और हमारी सोच हमारी दुआ यही रहती है उस मालिक से कि हमारा घर सदा ही हरा भरा रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे और इसी सोच के साथ जो ऐसे के सभी भाइयों साथियों तो ये जिंदगी रहती है। इस प्रोजेक्ट में कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी सदाई करनी है, ये सोच ये दुआएं उसी मालिक से उसी ईश्वर से उसी खुदा से उसी साईं से यही अरदास है दुआ इस प्रोजेक्ट के साथ पहरिया का हर प्रोजेक्ट हर खेल सदाई पॉजिटिव रहे बढ़ता रहे और जो भी है वो खुश रहे खुशहाल रहे और सदाई खुशियाँ पाते और पाते हैं। तो इसी बात के साथ इस वीडियो के साथ आप सभी भाइयों बहनों और सभी साथियों को संत सदराम धाम राय की साथ की ओर से आशीर्वाद धन्यवाद दुआ दोस्तों को गुजारिश है कि अभी जो ग्राउंड ब्रेकिंग ओपनिंग के लिए हम साईं जी को विनती करेंगे, पीछे मशीन से जो उनके आशीर्वाद से जो बीन रसम है जो इफ्तिताह है उनके अपने हाथों से वो करें, यानी उनके आशीर्वाद से दोस्तों को अपनी जगह पर करते हैं। तो दो मिनट में और